हिमाचल प्रदेश से भाजपा के राज्यसभा उम्मीदवार के तौर पर हर्ष महाजन ने अपना नामांकन भरा है। इस दौरान नेता विपक्ष जयराम ठाकुर के साथ साथ शिमला सांसद सुरेश कश्यप और तमाम बीजेपी के बड़े नेता मौजूद रहे और बीजेपी की तरफ से हर्ष महाजन राज्यसभा के उम्मीदवार बनाए गए हैं। कांगड़ा जिले से ताल्लुक रखते हैं, इससे पहले कांग्रेस के दिग्गज नेताओं में शुमार रह चुके हैं। कांग्रेस की नस नस को भली भांति समझते हैं और विधानसभा चुनाव से ठीक पहले इन्होंने बीजेपी का दामन थामा था। कांग्रेस पर अनदेखी का आरोप लगाते हुए भाजपा का दामन इन्होंने थाम लिया था। कांगड़ा क्योंकि हिमाचल प्रदेश का सबसे बड़ा जनपद है और वहां से हर्ष महाजन ताल्लुक रखते हैं और अब बीजेपी के राज्यसभा उम्मीदवार होंगे। राजेंद्र का रुख करते हैं इसी खबर पर, ज्यादा जानकारियों के साथ सीधे हमारे साथ जुड़ गए हैं। राजेंद्र, क्या मैं कह सकती हूं कि एक बड़ा दांव बीजेपी ने चलाया यहां पर? हाँ बिल्कुल जैस्मिन, और इस वक्त सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं उस कक्ष की जहां पर नामांकन की प्रक्रिया अंदर पूरी हो रही है। और जरूर हिमाचल की राजनीति में बहुत बड़ा दाव ये कह सकते हैं साख एक राजनीतिक दल की, राष्ट्रीय राजनीतिक दल भाजपा अपना उम्मीदवार दे रही है। हालांकि बहुमत जरूर विधानसभा के अंदर नहीं है, लेकिन जैस्मिन 2002 में भी इस प्रकार का वाक्य सामने आया था जब भाजपा की तरफ से सुरेश भारद्वाज को उम्मीदवार बनाया गया था और उस वक्त कांग्रेस की कैंडिडेट विप्लव ठाकुर थी, लेकिन उस वक्त हार जरूर झेलनी पड़ी थी भाजपा को सुरेश भारद्वाज को और उस वक्त जो क्रॉस वोटिंग संभव नहीं हो पाई थी। लेकिन इस बार बड़ा दाव है, अपना कद है, अपना रुतबा है हर्ष महाजन का। लंबे समय तक कांग्रेस के रणनीतिकार रहे हैं, वीरभद्र की सरकार में अगर हम कहें तो दो बार उनके मुख्यमंत्री रहते, जो अंतिम दो कार्यकाल हैं उनमें पूरी तरह से एक जो चाणक्य का रोल है वो हर्ष महाजन ने निभाया है। नज़दीकियाँ तमाम कांग्रेस के नेताओं, मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह से लेकर तमाम जो फर्स्ट टाइमर हैं उन तक नज़दीकियां कांग्रेस के लोगों की हर्ष महाजन के साथ रही है, निर्दलीय विधायकों के साथ नज़दीकियां। तो ऐसे में अपार्ट फ्रॉम पॉलिटिक्स अगर हम कहें तो दोनों राजनीतिक दलों में बहुत बेहतरीन संबंध है और इसी को ध्यान में रखते हुए भाजपा की तरफ से अब हर्ष महाजन को उम्मीदवार बनाया गया है राज्यसभा का। अब देखना होगा कि 27 तारीख को जब वोटिंग होती है तो क्या तस्वीर हिमाचल विधानसभा की रहती है, किस तरह से तस्वीर सामने आती है, क्या भाजपा क्रॉस वोटिंग करवाने में सफल रहती है या फिर जो कांग्रेस की तरफ से दावा किया जा रहा है कि तमाम कांग्रेस के विधायक और 3 निर्दलीय विधायक उनकी तरफ 43 विधायकों का दावा राजीव शुक्ला की तरफ से किया गया है कि अभिषेक मनु सिंह भी जो राज्यसभा के उनके उम्मीदवार हैं उनको मिलने वाला है, ये वक्त अब बताएगा। लेकिन ज़रूर बड़ा दाव भाजपा की तरफ से खेला गया है, उम्मीदवार के रूप में हर्ष महाजन को चुनावी मैदान पर उतारा है। अब जरूर मंथन पार्टी हाईकमान में भी हुआ होगा, मंथन यहाँ पर भी हुआ होगा। सुबह हमने देखा ठीक 8 बजे भाजपा प्रदेश मुख्यालय दीप कमल में बैठक शुरू हुई थी। भाजपा के बड़े नेता, थिंक टैंक सतपाल सत्ती, पूर्व विधायक, वर्तमान में प्रदेशाध्यक्ष, पूर्व प्रदेशाध्यक्ष, तमाम लोग मौजूद रहे और लंबा मंथन चला। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर इस बैठक में मौजूद रहे और करीब 1 घंटे तक ये बैठक चली। उसके बाद फिर तमाम चीज़ें फाइनल की और उसके बाद फिर हर्ष महाजन के रूप में कैंडिडेट को भाजपा की तरफ से फाइनल किया गया है और आप देख सकते हैं नॉमिनेशन की प्रक्रिया। राजेंद्र, इस बीच कांग्रेस की तरफ से एक पैराशूट उम्मीदवार अभिषेक मनु सिंघवी और भाजपा की तरफ से हिमाचल की राजनीति का एक परिपक्व चेहरा हर्ष महाजन, कितना कड़ा मुकाबला देख रहे हैं? बिल्कुल जैस्मिन, संभावनाएं इसलिए भी और अधिक हो जाती हैं क्योंकि अभिषेक मनु सिंह भी हिमाचल से संबंध नहीं रखते हैं, तो ऐसी स्थिति में क्या ये फैक्टर भी आएगा, ये भी अब देखना होगा। और हिमाचल की राजनीति में ज़्यादा दखल उनका नहीं रहा है तो पूरी तरह से डिपेंडेंसी है मुख्यमंत्री के ऊपर, संगठन के ऊपर। दूसरी तरफ हर्ष महाजन बीजेपी की तरफ अगर हम देखें तो लंबे समय से हिमाचल की राजनीति में एक बड़ा
बड़ा दखल रहा है, चाहे वो सत्ता में रहे हैं नहीं रहे हैं, लेकिन दखल जरूर रहा है। जब विधायक का चुनाव लड़ा था तो एक बड़े मार्जिन से चुनाव चंबा से जीते थे, चंबा सदर से, और उसके बाद फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी मिनिस्टर के रूप में मिली थी प्रदेश सरकार में। तो अब बड़ा कद है और प्रभाव जरूर होगा, और उसी सहारे भाजपा भी चली है कि जो हर्ष महाजन का व्यक्तिगत रुतबा है उसका लाभ भी लिया जाए, और जो कांग्रेस में आपसी जो गुटबाजी की बातें सामने आ रही है, चाहे विधायक राजेंद्र राणा की बात करें, सुधीर शर्मा की बात करें, तो तमाम जो कयास लगाए जा रहे हैं और जो तमाम गुटबाजी की बातें कभी कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रतिभा सिंह की तरफ से बयान आते हैं, तो इन तमाम अगर वर्तमान परिस्थिति को देखें तो अब ये दिलचस्प हो जाता है कि राजनीति में किस करवत ऊंट बैठता है। हालांकि समय और जो संभावनाएं हैं वो राजनीति में अच्छा राजेंद्र एक 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 सवाल यहाँ पर ये है कि जिस तरह से हर्ष महाजन को भाजपा ने यहाँ से उतारा है, हालांकि राज्यसभा का बिजनेस, राज्यसभा का चुनावों पर डायरेक्ट कोई दखल या मौजूदा राजनीति में डायरेक्ट कोई दखल इस कदर पड़ता हुआ नजर नहीं आ रहा, लेकिन क्या हम ये कह सकते हैं राजेंद्र कि हर्ष महाजन को बीजेपी की तरफ से इस तरह मैदान में उतारना इससे समझा जा सकता है कि किस तरह की रणनीति पर आगामी लोकसभा चुनाव के मद्देनजर बीजेपी काम कर रही है, और क्या कांग्रेस की गुटबाजी पर यह चीज हावी हो सकती है? अब बिल्कुल जैस्मिन, दोहरी राजनीति, दोहरी चाल भाजपा की तरफ से चली गई है। पहली चाल जो प्रत्यक्ष तौर पर दिख रही है राज्यसभा उम्मीदवार के रूप में, अगर क्रॉस वोटिंग होती है, हर्ष महाजन जीतते हैं, बड़ा लाभ भाजपा को रहने वाला है, राष्ट्रीय राजनीति में राज्यसभा में एक सीट पड़ने वाली है, और अगर अब जो भाजपा की तरफ से सोचा गया है उस कदर क्रॉस वोटिंग नहीं हो पाती है, लेकिन अगर एक वोट भी क्रॉस वोट होता है तो उसका राजनीतिक लाभ भाजपा को ज़रूर मिलेगा। ये बड़ा दाव यहाँ पर है भाजपा की तरफ से, ये प्रिटेंड करने की कोशिश की जाएगी अगर क्रॉस वोटिंग होती है कि सरकार के अंदर फूट है, सरकार के अंदर गुटबाजी है, उसी का लाभ लेने के लिए लोकसभा चुनावों में जब इलेक्शन कैंपेन के लिए दिग्गज जाएंगे, इलेक्शन कैंपेन के लिए नेता जाएंगे, तो उस अगर क्रॉस वोटिंग होती है राज्यसभा चुनावों में, तो उस बात का जिक्र हर मंच से हमने देखने को मिलेगा, हर गली मोहल्ले में देखने को मिलेगा, और इसके अलावा अगर राज्यसभा की ये सीट जीतते हैं तब तो बड़ा लाभ है ही, लेकिन परोक्ष रूप से भी लोकसभा चुनावों के ऊपर इसका बड़ा असर जैस्मिन रहने वाला है। ये काफ़ी महत्वपूर्ण आने वाले समय में देखने को मिलेगा, लेकिन दाव यहाँ पर भाजपा की हम कह सकते हैं राष्ट्रीय छवि की भी है, क्योंकि भाजपा अभी तक जो समझा गया है उसके अनुसार जो भी कदम राष्ट्रीय राजनीति में, अब अगर हम देख लिया हिमाचल की राजनीति में, जब भी कदम भाजपा की तरफ से उठाया जाता है तो उसके पीछे आधार नजर आता है। जब चुनाव परिणाम निकलते हैं तो फिर बातें सामने आती थी कि कितनी लंबी एक्सरसाइज होगी, कितने लोगों से बात हुई। बिल्कुल राजेंद्र, और जिस तरह से भाजपा ने यहाँ पर ये कदम उठाया है, क्योंकि भाजपा ये भली भांति जानती है कि बहुमत उनके पास विधायकों का नहीं है, और हर्ष महाजन एक ऐसा चेहरा रहे हैं जो सिर्फ बीजेपी ही नहीं, क्योंकि बीजेपी तो हाल ही में आए हैं, लेकिन कांग्रेस में वो इतने दिग्गज नेता रहे हैं कि जो छोटे विधानसभा क्षेत्रों से जो विधायक हैं वो उनकी रग रग से वाकिफ हैं, उनको बहुत भली भांति जानते हैं और उनकी नब्ज को जानते हैं, पहचानते हैं, तो चाह कर भी जो कांग्रेस के MLA हैं वो उनसे कहा जा सकता है कि वो मनमुटाव चाहकर भी हर्ष महाजन के साथ नहीं ले सकते। तो भाजपा ने यहाँ पर एक बड़ी चालाकी से ये दाव खेला है राजेंद्र, ये मामला बड़ा दिलचस्प होता जा रहा है, ये राजनीति बड़ी दिलचस्प होती जा रही है। हालांकि आप नजर बना के रखें, बहुत शुक्रिया। आज दोपहर बाद अभिषेक मनु सिंघवी भी अपना नामांकन दाखिल करेंगे, जुड़ेंगे आपसे, जानकारी लेंगे। फिलहाल के लिए शुक्रिया।